पंजाब की सत्ता विच सिर्फ 3 महीनों लई ही कांग्रेस मुख्यमंत्री बने। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब सरकार ते किचन लई ही भारी पै गए। साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे नाश्ते विच परौंठे तो लैके रात दे लजीज खाने तक लई पंजाब सरकार वल्लों सरकारी खजाने विचों भुगतान करना पिया है। वो अपने मुख्यमंत्री वजों कार्यकाल दे 3 महीनों दे दरमियान लगभग 60 लाख रुपए का रोटी पानी ही छक गए, जिस विच सवेरे दे नाश्ते तो लैके दोपहर अते रात दा खाना शामिल है। हैरानी वाली गल यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी दे खाने दी थाली पंजाब सरकार 300 रुपए तो लैके 3900 रुपए तक पई है। चन्नी दे घर कदे 300 रुपए तक कदे 500 रुपए दी खाने दी थाली आउंदी सी, तां कदे सेवा दा मौका ताज होटल नूं दिंदे होए 3900 रुपए प्रति थाली तक खर्च कीता गया है। जानकारी मुताबिक चन्नी ने मुख्यमंत्री दी कुर्सी संभालदे ही ऐलान कीता सी कि ओह पंजाब दी सेवा ही करनगे अते कोई भी फालतू खर्च नहीं कीता जावेगा। पर मुख्यमंत्री बनन तो कुछ ही दिनां दरमियान चन्नी अपने घरों रोटी खाण दी थां ते सरकारी लजीज खाने दा ही लुत्फ उठाउण लग पए। पंजाब सरकार दे प्रौणाचारी विभाग वल्लों उहनां लई सवेरे दे ब्रेकफास्ट तों लैके रात दे खाने तक दा इंतजाम स्पैशल तौर ते कीता जा रहा सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 60 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖੁਦ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। इस नाल ही साबका मुख्यमंत्री चन्नी लई 5-स्टार होटल तो भी खाना आउंदा रहा सी। इस मौके जदों साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नाल गलबात कीती गई तां उन्होंने कहा कि उन्हां नूं इस 60 लाख रुपए दे खर्चे बारे कोई जानकारी नहीं है अते उन्हां वल्लों अपनी रोटी पानी लई सरकारी खर्च नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहिंदे होए उन्हां कोल इक रसोईआ सी जिहड़ा कि उन्हां लई रोटी बणाउंदा सी, इस तों इलावा उन्हां नूं कोई जानकारी नहीं है। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।